हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट हब में। आज जो है मैं बहुत बिजी हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मायके जा रही हूँ। मेरे भाई की शादी है तो मैं 2 दिन के बाद यहाँ से निकलूंगी। मेरी जर्नी काफी लंबी है, 3 दिन की जर्नी है मेरी, क्योंकि मैं रहती कर्नाटका में हूँ और मुझे जाना बिहार है, तो काफी बोरिंग है 3 दिन जर्नी करना, 3 दिन ट्रेन में रहना। बट क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी है और मैं मायके जा रही हूँ। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि मैं जा तो रही हूँ बस 10 दिन के लिए, लेकिन सामान मैंने इतने सारे फैला रखे हैं मेरे बेड पे। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो चलिए देखती हूँ मैं क्या क्या पैक करती हूँ, क्या क्या ले जाती हूँ और क्या करना, पैकिंग तो करनी ही पड़ेगी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरी पैकिंग। ये देखिए किस तरह मैंने मेरा पूरा बेड जो है फैला रखा है, पूरा बेड पे मैंने कपड़े कपड़े बस मैंने कपड़े फैलाए पूरे बेड पे। मैंने सबके लिए गिफ्ट भी लिया है। मैं करीबन 15 डेज से जो है मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। ये कुछ साड़ियाँ हैं, 10 साड़ियाँ हैं जो मैं मायके ससुराल भी जाऊँगी मैं 1 दिन के लिए, उन सब के लिए भी लिया है मैंने। और ये बच्चों के कपड़े हैं गिफ्ट देने के लिए, जेठानी के देवरानी के ये सबके बच्चों के कपड़े भी हैं। ये सभी सामान जो है मुझे पैक करना है, ये सभी लेके जाना है। मेरी कुछ ज्वेलरी भी है जो मुझे शादी के लिए लेके जाना है, अभी सेलेक्ट नहीं किया मैंने कि इसमें से मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। देखती हूँ क्या क्या पैक कर पाती हूँ मैं। जो है मेरे लिए बस मैंने 3 साड़ी ली है, एक ये साड़ी है जो मैं शादी में डालूंगी और ये 1-2 साड़ी ली है मैंने, एक सिल्क साड़ी एक सिफोन साड़ी, ज़्यादा साड़ियाँ नहीं ली है मैंने, बस सूट प्लाजो सेट ये सभी ज़्यादा मैं लेकर के जा रही हूँ। साड़ियों का ज़्यादा यूज़ नहीं है मायके में, ज़्यादा काम नहीं है, ससुराल के लिए 1 दिन बस चाहिए क्योंकि मैं ससुराल में साड़ी ही डालती हूँ ज़्यादा। चलिए पैकिंग करते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बैग में जो है जितने भी मैंने गिफ्ट लिए सबके लिए वो मैं इस एक बैग में जो है मैं पैक करूँ, ताकि सभी कपड़े इधर उधर मिक्स मैच ना हो। तो मैं इसमें जो है सबके कपड़े देने वाले कपड़े जितने भी हैं इसमें पैक करूंगी। तो इसमें पहले मैं 1-2 फिनाइल की गोटी डाल देती हूँ ताकि कपड़े अच्छे से सही से रहे जो भी हो इसमें पैक कर रहा है मुझे। इस बैग में मैं मेरे कपड़े पैक करूंगी, इसमें भी मैं 2 फिनाइल की गोटी डाल देती हूँ। और मेरी ये साड़ियाँ जो हैं इनको हैंगर से निकाल के इसमें रख लेती हूँ मैं, ये मेरी सिल्क साड़ी है इसको अच्छे से पैक करके रख लेती हूँ मैं, अच्छे से फोल्ड करके। इसमें से मैं क्या लूं नहीं लूं, मैं ये एक ज्वेलरी रख रही हूँ मेरे जिस दिन मेरे भाई की शादी है उस दिन के लिए, मैं उस दिन यही ज्वेलरी डालूंगी साड़ी के साथ। और बाकी इसमें से सेलेक्ट करती हूँ, मुझे एक हल्दी में पहनना है, एक ज्वेलरी हल्दी में डालनी है मुझे। देखती हूँ क्या क्या लेना है नहीं लेना है, इसको खाली करना है डब्बे को, नहीं तो दूसरे में पैक करती हूँ मैं सबको। एक दो पीस ही बस लूंगी, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली जो है ये 2 बैग जो है मैंने पैक कर लिए हैं। अब बहुत थक गई हूँ मैं, फिर बहुत चीज अभी बची हुई है, मेरी ज्वेलरी सभी बची हुई है, इस सबको मैं दूसरे बैग में पैक करूंगी। बहुत कपड़े भी हैं, 2-4 कपड़े अभी बचे हैं डेली यूज के लेने हैं मुझे, वो सब भी पैक करना है। फिलहाल ये 2 बैग फुल कर लिया मैंने, अब मैं रेस्ट लूंगी, अभी 2 दिन है टाइम मेरे पास, अब बाकी की चीज जो बची है उसको मैं कल पैक करूंगी। हो गया अभी 2 बैग फुल हो गया,